ॐ ह्रीं श्री वृषभादिवीरान्ताञ्जलिनिस्नप्यामा ॐ ह्रीं श्री वृषभादिवीरान्ताञ्जलिनिस्नप्यामा ॐ ह्रीं श्री वृषभादिवीरान्ताञ्जलिनिस्नप्यामा ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं बं मं हंसं तं पं बं बं मं मं हं हंसं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम दीं दीं द्रावय द्रावय नमोर्ति भगवते श्रीमते ॐ ह्रीं क्रों मं पापं खंडय खंडय जय जय दय दय पच पच पाचय पाचय ॐ नमो अर्हं झं झीं छीं हंसं झं बं यः यः पहा छां छीं छूं छि छै छौ छौ छं छा झीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्री ह्री ह्रौ ह्रौ ह्रं ह्रा द्राम द्रीं द्रावय द्रावय नमोर्ति भगवते श्रीमते ठाटा अस्माकं सकल दिगंबर जैन समाजस्य श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा एवं अस्माकं समस्त सेवकार्थानां समस्त कार्य सिद्ध्यर्थं सर्व विघ्न निवारणार्थं श्रीमद्भगवत् सर्वज्ञ परमेष्ठि परम पवित्राय नमो नमः। अस्माकं सकल दिगंबर जैन समाजस्य श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादात् सद्धर्म श्री बालारोग्य स्वर वृद्धिरस्तु सद्धर्म स्वशिष्य परशिष्य वर्ग पृष्ठंतो न। ओम श्री विश्वादिया श्री वर्धमान पर्यंत चतुर्विंशति अरहंतो भगवंता परम मंगल नाम दिया अस्माकं संश्रोमणि आचार्य गुरुवर्य स्वार्थी विद्यासागर जी महामुनिराज सत्संगस्य जगत परम पूज्य उपाध्याय रत्न मुनि श्री गुप्ती सागर जी महामुनिराज सत्संगस्य परम जगत पूज्य निरापक श्रवण मुनि पुंगा एक स्वार्थी सुधा सागर जी महाराज सत्संगस्य संपूर्ण फेसबुक के सामने देख रहे देश विदेश के आप सभी भक्तगण यहाँ उपस्थित सभी भक्तगण से परिवार से श्री अजय जी जैन चारू जी जैन अमन जैन इशिता जैन अबीर जैन नाना प्रताप के शांतिदार श्री अशोक जी रजनी जी जैन नरेंद्र जी संगीता जी संगीता जैन राणा प्रताप के शांतिदार श्रीमती शकुंतला गोदा परिवार भवन प्रीति अंकुर गोदा परिवार शक्ति नगर से शांतिदार स्वर्गीय श्री कमल चंद जी जैन स्वर्गीय श्रीमती मैना सुंदरी जैन सुनील जैन स्वाति जैन परिवार शिशु कॉलोनी से शांतिदारा श्री नसीब जी सोनी ममता नीतू मनीष पीयूष लोहित स्मिता रितिशा परिवार सुख समृद्धि व शांति के लिए 18 उपासना गुनगुन मंडी से शांतिदारा श्री भूपत राय अमृतलाल मोदी श्रीमती रंजना बहन भूपत राय मोदी श्रीमती ख्याति हेमंसा चिरंजी हेत भी भूपत राय मोदी सभी के उत्तम स्वास्थ्य लाभ निरोगता सहित दीर्घायु की मंगल कामना हेतु शांतिदारा स्वर्गीय श्रीमती उषा जैन परिवार अजय जैन ऋतु जैन शक्ति नगर वालों द्वारा एक महीने की शांतिदारा श्री सुरेश जी जैन नरेश जी जैन खिलौना वाला परिवार रूपनगर वालों की तरफ से मासिक शांतिदारा श्रीमती शकुंतला जी जैन सह परिवार बुद्धा अपार्टमेंट की ओर से आजीवन शांतिदारा श्रीमती शकुंतला गोदा परिवार राजेंद्र मीना नैन्सी अभिषेक पुलकित रुचि सेठी शक्ति नगर से शांतिदारा श्री ईश्वर चंद जी जैन श्रीमती कमला जैन परिवार जैन कौंदर वालों की तरफ से शांतिदारा श्री भागचंद जी निर्मला जी जैन कुशल एकता सहनी माँ कल्याणी कुंजे शांतिदारा श्री पदमचंद जी अंकुर जी पाटनी दिशा पाटनी गौरवी इनाया पाटनी शक्ति नगर से शांतिदारा श्री अजय निधि श्रेय क्षितिज बरजात्या लाल सोट वालों की तरफ से सुख समृद्धि व शांति के लिए शांतिदारा उपस्थित सर्वजनस्य सर्व समाजस्य यहाँ मुच्य सिद्धिम धर्मंतु सद्धर्म कार्य सूचे यहाँ मुच्य सिद्धिम पृच्छन्तु न। ओम नमोर्ते भगवते श्रीमते श्रीमत्पारस्थितंका श्रीमत्तरूपाय दिव्यतेजुमूर्ते प्रभा मंडल मंडिताय द्वादशगण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समोसरण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय सच्चत्वारिंशत् गुण संयुक्ताय परमेष्टि पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्माने परम सुखाय त्रिलोकमहिताय अनंत संसार चक्रवर्तनाय अनंत ज्ञान दर्शन भी सुखस्पदाय त्रिलोक वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे उपसर्ग विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय अघाती कर्म विनाशनाय अपवादम मृत्युम अतिकामम रतिकामम वलिकामम क्रोधम पापम वैरम च अग्निवायु भयम सर्वशत्रुविघ्नम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वराज्यभयम सर्वचौर दुष्टभयम सर्व सर्प वृश्चिक संहादिमयम सर्व गृह भयम सर्व दोषम व्याधिम नामरम च सर्व परमंत्रम सर्व आत्मघातम परघातम च
सर्व अक्षिरोगम कुक्षिरोगम सुरोगम ज्वररोगम च सर्व कुक्षिरोगम सर्व हृदय रोगम सर्व कैंसर रोगम सर्व नरमारिम गजमारिम अश्वमारिम गोमहिरम महिषमारिम अजमारिम च सर्व सस्य धान्य वृक्ष लता गुल्म पत्र पुष्प फलमारिम सर्व राष्ट्रमारिम सर्व क्रूर बेताल साकनी डाकनी बयानी सर्व वेदिनियम सर्व मोहिनियम सर्व पस्मारिम अस्माकं समस्त सेविकानां अशुभ कर्मजन दुःखानि दुष्ट जन कृतान मंत्र तंत्र दृष्टि मुष्टि छल छिद्रादि दोषान छिंचिन्य अभिन्न भिन्न ओम ब्रह्म श्रीम क्लीम मे मरम सियाउसानत विद्याय नमो हिंताणम ह्रोम सर्व शांतिम कुरु कुरु आयुर्वल्ली विलासम सकल सुख बलै दार्घ्यत्वा शुनल्पम दीनम वीरम शरीरम निर्वृत्या तनु चतु कीर्तिम सिद्धिम वित्तिम समृतिम प्रतेतु तरणै स्फुरितुच्चैः प्रतापम कांतिम शांतिम समाधिम वितरतु जगतामुत्तमा शांतिधारा शंपूजिकाना प्रतिपालिकाना यतीन्द्रिसामने देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांति। जय बोलिए पार्थनाथ भगवान की। जय बोलिए समेत शिखर तीर्थ राज की। जय जिनेन्द्र बंधुओं, आप सभी लोग जो देख रहे हैं इस बार 2023 की यात्रा जो 7575 भाई बहनों की दिल्ली व समस्त भारत से एक साथ 12 ट्रेन व 2 फ्लाइट में जा रही है, आज उसके सामग्री जो किट आपको वहां पर दी जाएगी, ये किट हमारे श्रावक श्रेष्ठी परिवार श्रीमान महावीर प्रसाद जी, सूर्यकांता जी, काशलीवाल संजू जी, प्रीति जी, श्रेणे इचलकरण जी परिवार के द्वारा आप सभी के लिए इस सुंदर बैग के अंदर ये सामग्री, एक सुंदर बैग आपको दिया जाएगा, एक पेन दिया जाएगा, एक डायरी आपको दी जाएगी, इसके पश्चात ये आपको निर्देशिका दी जाएगी, एक कूट पूजन की किताब दी जाएगी, आपकी तबीयत खराब होगी तो ये मेडिसिन वहाँ के लिए दी जाएगी, एक टॉर्च आपको दी जाएगी, और ये जो सामग्री आप सबके समक्ष खड़ी रखी है ये सामग्री भी सभी बैगों में रख करके दी जाएगी। इस तरीके से ये सामग्री भी आपको सबको दी जाएगी। आप सभी लोगों को ये सामग्री की किट आपके कमरे में श्री सम्मेद शिखर जी में ही दी जाएगी। आप बार बार फोन ना करें, जो भी जिस कमरे में जहाँ पे रह रहा है सभी 7575 यात्रियों को अपने अपने कमरों में हमने सामग्री की व्यवस्था की है। एक यात्री से मेरा निवेदन है केवल एक ही थैली लेवे, दो ना लेवे, जिससे किसी के लिए भी ये सुविधा कम ना पड़े। आप सभी लोग जो भी जा रहे हैं सब विशेष ध्यान रखें, ये जो प्लास्टिक की थैली है अगर कोई भी व्यक्ति इसको पहाड़ पर खाली होने के पश्चात डाल देगा वो कम से कम 1000 रुपये का जुर्माना आकर के सम्मेद शिखर जी के नीचे गुल्लक में डालेगा। विशेष ध्यान रखें, सामग्री की थैली खाली होने के पश्चात किसी भी कीमत पे संपूर्ण पहाड़ पर आपको नहीं डालनी है। अगर खाली हो जाती है तो नीचे आकर के आप कचरा जहाँ डस्टबिन हो वहाँ पर इस सामग्री को थैली को डालना है, और नहीं तो आप अपने घर लेके जाएं, क्योंकि ये थैली इतनी पुण्यशाली थैली है जिसके अंदर आपने 20 तीर्थंकरों की मोक्ष भूमि की सामग्री समर्पित की है। इसलिए सभी लोग ध्यान रखें, जो भी भाई बहन मेरी आवाज़ सुन रहे हैं सभी से निवेदन है, आप नहीं जा सकते हैं डोली में जाएं, आप पैदल जा सकते हैं पैदल जाएं, पर किसी भी कीमत पर मोटरसाइकिल पर ना जाएं। अभी 10 दिन पहले भी एक हादसा हुआ है, मोटरसाइकिल से एक हमारी बहन जो यूपी से आई थी वो गिर गई थी। इसलिए आप ध्यान रखें, किसी भी कीमत पे हमें मोटरसाइकिल पर यात्रा नहीं करनी है। आप सभी के लिए सभी सुविधाएं वहाँ पर कर दी गई है, सभी की भोजनशाला जैसा आप सभी को पता है केवल एक ही जगह सौरवांचल पुलिस थाने के पास में सभी लोगों की एक साथ एक जगह पर हमने करीब 10 एकड़ के अंदर ये टेंट लगाया है, वहीं पर आप सभी की व्यवस्था की गई है। सभी कार्यक्रम मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज का न्यू जो गुणायतन बन रहा है उसके अंदर वहाँ पर होगा। आप सभी लोग सब कार्यक्रम में बैठें, अगर यात्रा में जाकर के आप कोई कार्यक्रम में नहीं बैठते हैं तो उससे बड़ा दोष शायद आपके जीवन में लगने वाला नहीं है। इसलिए जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं, हमारा पहला कार्यक्रम 28 तारीख को दोपहर को पार्श्वनाथ विधान होगा जो 1 बजे से 3 बजे तक होगा। दूसरा कार्यक्रम शाम को 6 बजे से 7 बजे तक शंका समाधान मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के द्वारा वहाँ पर होगा। रात्रि में ठीक 7:30 बजे से 10 बजे तक भक्तामर दीप महार्चना कुमारी विधि जैन एवं निष्ठा जैन
प्रतिभा स्थली की जो छात्राएं थी दोनों जयपुर के द्वारा आप सभी के समक्ष किया जाएगा 29 तारीख को शाम को हम सभी मिलकर के। और जो भक्ति व वैराग्य भगवान पार्श्वनाथ की गाथा रंगशाला मंच इंदौर साधना जी मादावत के द्वारा की जाएगी 29 तारीख को सुबह। हम सभी भाई बहन मिलकर के 5000 लोग पहाड़ की पूरी 13 पंथी से लेकर के नीचे तक सफाई अभियान करेंगे। हम सभी लोग उस सफाई में भी सम्मिलित होंगे। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी भाई बहन हर कार्यक्रम में वहां जाकर के बैठे, कमरे में ना सोएं। आप सोने के लिए नहीं जा रहे हैं, ये विशेष ध्यान रखें। सोने के लिए दोनों तरफ आपको ट्रेन दी जा रही है, जितना सोना हो आप वहां पर सोएं। आप सभी ये ध्यान रखें, विशेष ध्यान रखें कि हर कार्यक्रम में आप सभी को उपस्थित होना है और सामग्री आपको वहां पर मिलेगी, ये भी ध्यान रखना है। बाकी किसी भी संपर्क के लिए हमने सब आदमियों के नंबर दे रखे हैं, आप किसी भी समय किसी भी कारण से वहां पर फोन कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। मैं पवन जैन गौदा आपकी यात्रा का मुख्य संयोजक। जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय बोलिए समय शिखर तीर्थ राज की जय। जय जिनेन्द्र बंधुओं, जैसा आप सभी को पता है 10वीं श्री सम्मेद शिखर जी यात्रा आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से व उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की प्रेरणा एवं मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज सुधा सागर जी महाराज की प्रेरणा से जाने वाली ये 10वीं यात्रा जो करीब 7500 भाई बहन इसके अंदर जा रहे हैं, ये यात्रा 12 ट्रेन व 2 फ्लाइट में एक साथ 24 तारीख से 31 तारीख तक संपूर्ण भारत से जा रही है, जिसमें दिल्ली से 3 ट्रेन, जयपुर से 1 ट्रेन, भीलवाड़ा से 1 ट्रेन, अजमेर से 1 ट्रेन, अहमदाबाद से 2 ट्रेन, मुंबई से 1 ट्रेन, भीलवाड़ा से दूसरी ट्रेन 27 तारीख को, ऐसे मिलाकर के टोटल 12 ट्रेनों में ये यात्रा जा रही है। सभी यात्री ध्यान देवें, आप सभी के भोजन की व्यवस्था, बार बार आपके फ़ोन आ रहे हैं, मैं आप सभी को बता दूं, सभी की भोजनशाला हमने एक ही जगह करीब 14 एकड़ में जो प्रांगण सौरभांचल है उसके अंदर थाने के पास में आप सभी के भोजन की व्यवस्था की गई है। केवल और केवल सुबह का नाश्ता, सुबह का भोजन, दोपहर का नाश्ता, दोपहर शाम का भोजन, सभी संपूर्ण व्यवस्था केवल एक ही जगह पर सौरभांचल में जो थाने के पास में है, गुणायतन के सामने है, वहाँ पर आप सभी की गई है। इसलिए बार बार आप परेशान ना हो, आप सभी ध्यान रखें। दूसरी बात, जो भाई बहन अहमदाबाद से जा रहे हैं वो सब ध्यान देवें, आपको वंदना 27 व 28 दोनों दिन करनी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि वंदना इस बार 5 दिन तक लगातार करें। जो भाई बहन अहमदाबाद से जा रहे हैं वो अपनी वंदना 27 को करें, 28 को करें। जो दिल्ली, जयपुर, अजमेर, किशनगढ़ से जा रहे हैं वो 28 को करें। जो इंदौर से आ रहे हैं वो सब 29 को करें। जो मुंबई सतलगा से आ रहे हैं वो 30 तारीख को करें, जिससे एक साथ डोली मिलने में भी दिक्कत ना हो, पहाड़ पे चढ़ने में भी हमें किसी तरह की दिक्कत ना हो। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि जिस दिन आपको समय मिले उसी दिन आप अपनी वंदना कर लेवें, ऐसा ना हो कि हम ग्रुप में करेंगे, क्योंकि इस बार यात्री 7500 हैं, हो सकता है भीड़ भाड़ ज़्यादा ना हो, किसी को दिक्कत ना हो, इस वजह से हमने ये यात्रा इस बार 4 दिन की जगह 8 दिन की है। आप सभी जितने भी भाई बहन जा रहे हैं विशेष ध्यान रखें, अगर आपकी सीट नीचे की है और आप ऊपर जा सकते हैं तो जो भी वृद्ध भाई बहन हमारे हैं उन्हें आप नीचे की सीट दे देवें, और आप ऊपर अगर लेट सकते हैं तो ऊपर की सीट आप ले लेवें। किसी भी यात्री को आप परेशान ना होने दें, सभी जाने वाले हमारे भाई बहन हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। दिल्ली से जाने वाले सभी यात्रियों से मेरा निवेदन है कि जो राजधानी है उसमें किसी परिवार में दिक्कत होने के कारण करीब 45 टिकट हमारे पास कैंसिल हुई है। कोई भी भाई बहन अगर दिल्ली से जाना चाहे तो 20840 रांची राजधानी से हम जाएंगे 27 तारीख को शाम को 4:10 पर नई दिल्ली से। और ये ना सोचे कि रांची राजधानी पार्श्वनाथ नहीं रुकती है, हमने इसका स्टॉपेज पार्श्वनाथ पे लिया हुआ है, जो सुबह 5:30 पार्श्वनाथ पहुँचेगी। और आने की वापसी टिकट हमारी 12801 जो कोलकाता राजधानी के अंदर 12301 में कोलकाता राजधानी से हम सब वापस आएंगे, जो पार्श्वनाथ से 8:30 चल करके 31 तारीख को सुबह दिल्ली पहुँचेगी। आप सभी कोई भी चलना चाहें अपनी टिकट बुक करा सकते हैं। आप अपनी टिकट 9818217046 या इस पर मैसेज कर दें, या 9311119
9895 पर भी आप बतलाकर अपनी टिकट बुक करवा सकते हैं। आपकी संपूर्ण व्यवस्था जाने की राजधानी से रहेगी, आने की भी राजधानी से रहेगी। आपकी रहने की व्यवस्था तेरापंथी कोठी व सिद्धायतन दोनों में से कहीं भी आपको मिलेगी। जो भी यात्री चलना चाहे वो अवश्य चलकर धर्म लाभ लेवे। कोई यात्री किसी कारण से पैसे के अभाव में नहीं जा सकता हो वो भी हमसे संपर्क करें, उसे भी हम लेकर जाएंगे। सभी के सामग्री की व्यवस्था, जैसा आप सभी को पता है, श्रीमान महावीर जी, सूर्यकांता जी कासलीवाल, इचलकरण जी परिवार के द्वारा आपको की गई है। सामग्री की किट आपको श्री सम्मेद सिकर जी में मिलेगी। आप बार बार फोन करके पता कर रहे हैं कि कहाँ मिलेगी। आपके कमरे में जो आपका वहाँ पर रहेगा उसके अंदर ही आपको सामग्री की किट वहीं पर मिलेगी। संपूर्ण व्यवस्था आपकी कर दी गई है, किसी तरह की आप चिंता ना करें। आप धार्मिक यात्रा पर जा रहे हैं और बिना तकलीफ के अगर आपने यात्रा करी तो उस यात्रा का क्या आनंद है। थोड़ी बहुत अगर तकलीफ भी हो तो आपको सहन करनी है, एक दूसरे की सहायता करनी है, सभी का साथ देना है। कोई पहाड़ पर भी जाते समय कोई व्यक्ति लेट हो जाता है, कोई हमारी बहन लेट हो जाती है, बड़ा व्यक्ति लेट हो जाता है, तो आपका उसका साथ देना है। जैसा आपको हमने कार्ड के पीछे दो नंबर दिए हैं, वहाँ पर करीब 10 आदमियों की टीम हमारी इसी काम के लिए हमने रखी है कि किसी भी तरह की दिक्कत हो तो आप उन्हें 24 घंटे कभी भी फोन कर सकते हैं। चाहे हॉस्पिटल का कार्य हो, चाहे सम्मेद शिखर जी का कार्य हो, चाहे पहाड़ का कार्य हो, आप विशाल जी से या प्रवीण जी जो वहीं के लोकल हैं उनसे संपर्क करके किसी भी तरह की आपको दिक्कत हो वो आपकी दिक्कत को दूर करेंगे। इंदौर से जाने वाले सभी यात्री मानु भैया व प्रियांशु भैया से संपर्क करें। भीलवाड़ा से जाने वाले सभी मुकेश जी से संपर्क करें। जयपुर से जाने वाले सभी यात्री पीयूसी बंटी भाई जो रेलवे में है उनसे संपर्क करें। और दिल्ली से जाने वाले सभी यात्री हमारे राजीव जी, मेरे से या किसी से भी आप संपर्क कर सकते हैं। किसी तरह की दिक्कत हो आप किसी भी समय हमें फोन लगा सकते हैं। पर यह विशेष ध्यान रखें, किसी भी कीमत पर किसी भी यात्री को 6 बजे के बाद वहाँ पर भोजन नहीं मिलेगा, चाहे ना आप बाहर से खा सकते हैं। रात्रि में भोजन हमारे द्वारा किसी भी व्यक्ति को किसी भी कीमत पर वहाँ पर नहीं दिया जाएगा। आप सबसे मेरा निवेदन है, आप वंदना मत करना, कोई दिक्कत नहीं है। श्री सम्मेद शिखर जी का कण कण पूज्य है, पर मोटरसाइकिल पर आपको यात्रा नहीं करनी है। ये सभी सूचनाएँ आपको इसलिए दी जा रही है कि आप किसी तरह की गलती वहाँ ना करें। आप वंदना पे जा रहे हैं, आप डोली पे नहीं जा सकते, हमसे संपर्क करें। आप डोली के पैसे नहीं दे सकते हैं, कोई बात नहीं, उसका भी हम आपका इंतजाम करेंगे। पर ऐसा ना हो आप मोटरसाइकिल पर जाएं, आपके लग जाए, आपके चोट आ जाए, ऐसा कभी भी किसी भी कीमत पर आप वहां पर ना करें। किसी भी समस्या के लिए आप हमसे संपर्क करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। आपको जैसा पता है लोग वहाँ जाकर के कमरों में आराम से रहते हैं, ये सबसे बड़ी गलत बात है भैया। आज सुधा सागर जी महाराज ने अपने प्रवचन में कहा है कि अगर वंदना आप तीर्थराज पे जाकर वहाँ के दर्शन नहीं करते हैं, वंदना नहीं करते हैं, तो आप जैन नहीं हैं, आपका जैन होना बेकार है। इसलिए आपके लिए हमने 27 तारीख को जाने के पश्चात 28 तारीख को दोपहर में 1 बजे से 3:30 बजे तक पार्श्वनाथ विधान राजकिंग भैया जी के द्वारा वहाँ पर रखा है। 28 तारीख की शाम को 6 बजे से 7 बजे तक शंका समाधान मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के सानिध्य में हमारी यात्रा के लिए रहा है, वो हम सबको उसमें भी बैठना है। और ठीक 7:15 बजे से भक्तांबर दीप महाअर्चना, जो कि जयपुर की दोनों बच्चियां विधि एवं निष्ठा जैन जो प्रतिभा स्थली की हैं, जो आचार्य विद्यासागर यात्रा संघ के नाम से जिन्हें जाना जाता है, उनके द्वारा 7:15 बजे से रात्रि में 10 बजे तक ये कार्यक्रम होगा। 29 तारीख को भगवान पार्श्वनाथ की गाथा जो इंदौर से साधना जी मेरावत के द्वारा की जाएगी, जिसमें करीब 50 व्यक्तियों के द्वारा ये नाटक किया जाएगा, ये भी इसमें भी आप अवश्य सम्मिलित हों। और 30 तारीख को सुबह हम 20 पंथी कोठी से और नीचे सौरवांचल तक पूरे शिखर जी का सफाई अभियान, सभी यात्री जितने भी यात्री 5,000 यात्री हैं सभी मिलकर के पूरे शिखर जी का सफाई अभियान करेंगे। इन सब कार्यों में भी आपको भाग लेना है, आप नहीं लेंगे तो ये आपकी यात्रा अधूरी रहेगी। आप सभी कार्यक्रमों में हिस्सा लेवें, ध्यान रखें। जय जिनेन, जय जिनेन। मैं पवन जैन गोदा आपकी यात्रा का मुख्य संयोजक, किसी भी समस्या के लिए किसी भी समय आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय जिनेन।